भारत चीन सीमा को लेकर आ गई सबसे बड़ी खबर। एलएसी पर भारत चीन सेनाओं के बीच अब क्या होने वाला है? पीएम मोदी के रूस दौरे से पहले इस ऐतिहासिक फैसले ने सबको चौंका दिया। भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर एक बड़ी खबर आ गई है। अभी तक दोनों देशों के बीच झड़प की खबरें आती थी, लेकिन आज ये खबर हर किसी को हैरान कर देगी। खास बात है कि ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस की यात्रा से ठीक पहले हुआ है। रूस में ब्रिक्स की मीटिंग 22-23 अक्टूबर को निर्धारित है। दरअसल वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर भारत और चीन के बीच चल रहा विवाद अब थम सकता है, मोदी सरकार के लिए एक बड़ी जीत साबित हो सकती है। आपको बता दें कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने घोषणा की है कि भारत और चीन एलएसी पर गश्त व्यवस्था को लेकर एक समझौते पर पहुंच गए हैं। ये फैसला दोनों देशों के अधिकारियों के बीच व्यापक बातचीत के बाद लिया गया है, जिसका उद्देश्य 2020 में हुई झड़पों के बाद से जारी तनाव को दूर करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा, हम चीन के साथ चर्चा किए जा रहे मुद्दों पर एक समझौते पर पहुंच गए हैं। उन्होंने खास तौर से इस बात पर जोर दिया कि इस समझौते से सीमा पर आखिरकार सैनिकों की वापसी का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है, जो क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौते पर विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि पिछले कई हफ्तों में हुई चर्चाओं के परिणाम स्वरूप भारत चीन सीमा क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त व्यवस्था पर सहमति बन गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इससे 2020 में इन क्षेत्रों में उत्पन्न हुए मुद्दों का समाधान हो रहा है। समझौते के तहत देपसांग और डेमचोक में दोनों देशों की सेनाएं अपनी पुरानी जगह पर आ जाएंगी। इसके साथ ही डिसएंगेजमेंट के बाद बफर जोन में भी गश्त का रास्ता साफ हो गया है। वहीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ संभावित द्विपक्षीय बैठक के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि हाल के हफ्तों में भारत और चीन के बीच कूटनीतिक और सैन्य चर्चाएं चल रही हैं। हम अभी भी किसी भी द्विपक्षीय बैठक के लिए समय और विवरण का समन्वय कर रहे हैं। दिस इज लीडिंग टू डिसएंगेजमेंट एंड eventually a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. The agreement that has been reached, let me restate what I said earlier. I think what I have said speaks for itself and is fairly clear. There has been, you're aware of the events that took place in 2020 in several areas along the line of actual control. We've been in discussions with Chinese interlocutors, both at a diplomatic level through the WMCC, as was mentioned earlier as well, and through the at the military level as well, through meetings of the military commanders at various levels. These discussions had in the past resulted in the resolution of standoffs at various locations. You're also aware that there were a few areas and few locations where the standoff had not been resolved. Now, as a result of the discussions that have taken place over the last several weeks, an agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, and this is leading to disengagement and eventually a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. आपको बता दें कि पीएम मोदी इसी हफ्ते 23 और 24 अक्टूबर को रूस के कजान शहर में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर वो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल से 2 दिनों की यात्रा पर कजान रवाना हो जाएंगे। लेकिन इसी बीच भारत चीन सीमा से आ रही इस खबर ने हर किसी को खुश कर दिया है, क्योंकि एक लंबा तनाव शायद अब दूर हो जाएगा, तनातनी अब खत्म हो जाएगी। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।